दिल्ली से तकरीबन 70 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम बागपत ज़िले के छपरौली तहसील में पहुंच गए हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं ये वही गांव है बदरखा गांव, जिस गांव में वो परिवार रहता है जिसने धर्म परिवर्तन किया है। अब हम अंदर चलते हैं और पूछते हैं उस परिवार से कि आखिर उसकी पूरी कहानी क्या है। इस वक्त हम बागपत इलाके के कौन से गाँव बदरखा गाँव में हैं, क्योंकि बदरखा गाँव इस टाइम सुर्खियों में है, इंटरनेशनल मीडिया का मुद्दा बना हुआ है। हम उसी परिवार के साथ में हैं जिनके तकरीबन 13 लोगों ने 20 आदमियों का परिवार है अभी तो हमारा यही रह रहा है। और ऐसी बात बताऊं मैं अब बताऊं, हम 12 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म यहां अपनाया है। हमारे साथ में इस घर के मुखिया हैं जिनका नाम क्या है साहब आपका? अख्तर अली था मेरा नाम। अख्तर अली नाम था आपका और अब इनका नाम अब धर्म सिंह रख लिया। अच्छा अख्तर साहब, आप ये बता दीजिए मुझे कि आपको उम्मीद है कि आपके इस्लाम से हिंदू मानने के बाद आपको इंसाफ मिलेगा? देखो लोगों ने साथ ही नहीं दिया भाई, ऐसी नहीं बात होती। इस्लाम धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी पे बेरहमी करो। बिल्कुल, धर्म तो कोई सा भी है, कोई सा भी धर्म नहीं सिखाता कि भाई किसी पे बेरहमी करो। अगर कोई गुनाह भी हो जाए तो उसे भी माफ कर देते हैं। मेरे बच्चे का कौन सा गुनाह था इतना ज़बरदस्त कि जो उसे इतनी बेरहमी से मारा गया? एक हमने अपने रिश्तेदार का ही तो फैसला था, अपने आपस का मैटर था, रिफाकत प्रधान को सूट नहीं आया, वो बागपत थाने का दलाल है और मुखबर है, पैसा कमाता है बागपत थाने को। मारेगा तुरंत तो 5-10 केस ऐसे हो गए थे वासी जो उसी के हाथ में हुए, उसी के हाथ में हुए 5-10 केस। गाड़ी में ऐसे घूमता है शाम के टाइम, जैसे 50-60 आदमियों को लेके वहीं कोई ऐसे घूमता है जैसे भाई यू अंका कोई डॉन हो या वो। और हमारी भूपी के लड़के कहते हैं कि ये रिफाकत फरदान यहाँ तो फैनीवाड़े में जो इसके आगे आता है उसे उड़ा देता है, ये चंबल की घाटी का वो बदमाश है, जो चाहता है वो कर देता है ये मका। ऐसे ऐसे बदमाशों को तो मैं नया प्रधान सारे ये नया प्रधान सर्वर प्रधान की बीवी जुलेखा, उसका बड़ा भाई हारून, वो कहता है मैं मर्डर 302 हूँ, मैं मर्डर 302 को 156 में बदलवा देता हूँ। तो किसने दर्द दिया हमें? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? आपके बच्चे का पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी का मैटर आया है और उसे खुदकुशी का मैटर आया है, उसे जिसका खुदकुशी का रुख दे अगर और पोस्टमार्टम पे जैसे हिंदू धर्म नहीं अपनाया जी नहीं। हाँ, जाकिर भाई ने अभी हिंदू धर्म नहीं अपनाया जी। जाकिर भाई बताइए, जैसे पोस्टमार्टम पे बॉडी गई है और प्रधान का भाई है, वे उस पोस्टमार्टम डॉक्टर के साथ में पहले से ही जा चुका था और जब तक वो बॉडी वहाँ तक नहीं, साथ गया उसके साथ में। अब साफ क्लियर नज़र आ रहा है उसमें जो है पूरा बदलाव किया हुआ है। अगर जानते हैं भाजपा सरकार है, मोदी है, योगी है, प्रशासन है, तो उसकी जांच कराई जाए दोबारा। अच्छा मैं ये पूछना एक मैं पूछना चाहता हूं आपसे अख्तर साहब कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया जी, ठीक है, आप हिंदू बन गए, आज़ादी आज़ाद देश है हमारा, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ये हमारा संविधान कहता है कि आप किसी भी धर्म में जाओ। देखो आपको एक मुस्लिम धर्म में आपका साथ नहीं दिया। अच्छा अगर आप यहाँ से भी आपको आप यहाँ से मुतमईन ना हुए तो एक अगर आपने इस्लाम धर्म छोड़ के आप हिंदू धर्म आपने अपना लिया है और यहाँ से भी आपको कुछ सहायता नहीं मिली? मतलब सहायता तो ये मिली, उन्होंने मकान भी दिया रहने को। अच्छा अच्छा, मकान शाम की सुबह को बैठते भी हैं, समझाते भी हैं। जी जी जी, मतलब वो आपके रहन वो कर रहे हैं आपके अपने मैंने अपने गांव की बस्ती की अपने गांव की बस्ती के आके 63वें दिन मेरे पास कोई नहीं आया। मैं गाली दे रहा था, गाली किसे दे रहा था? मारने वालों को, अपने भाइयों को तो गाली नहीं दे रहा था मैं, अपने दीन को तो गाली नहीं दे रहा था मैं, मारने वालों को कह रहा था मैं, वे भी तो कुरान के पढ़े हुए हैं, वे भी तो हाजी नमाजी है। देखिए अख्तर साहब, इंसाफ में धर्म की तो ऐसी बात है भाई, मुस्लिम हो लो, देखो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है भाई, इंसानियत हमारी छीन ली गई वहाँ से। अगर मुस्लिम लोग साथ देते जिस टाइम सामने पे वो बॉडी रखी थी,
सबको पता था क्लियर, कोई भी ये नहीं कह सकता। आप भी जाओगे तो आप भी ये कहोगे कि उसमें आदमी फांसी ले नहीं सकता, उसमें नीचे बेड बिछा हुआ है, बेड के किनारे पे पैर लगे हुए हैं और एक पेचकस में फांसी खा ही नहीं सकता आदमी, आत्महत्या कर ही नहीं सकता। एक बीड़ी के तिल्ली के बराबर वो पेचकस है, देखा मैंने ऊपर लग रहा है उस छत में। 65 किलो उस वजन उस लड़का नहीं, वो मैंने देखा है, वो छोटा सा पेंचर्स लगा हुआ है उस पे, तो 20 किलो वजन डाल दोगे आप, वो जो वो झेल पाएगा। बेड पे उसके बेड रखा था, बेड पे जाए मेरे भाई की नाड़ तोड़ रखी थी बढ़िया वाली करके, फिरकी की तरह उसकी नाड़ घूम रही, क्या फांसी खाने वाले की नाड़ चारों तरफ से घूम जाती है, ढोंगे फूट रहे हैं उसके ढोंगों में, पूरा बदन लीला हुआ था उसका। और जितने भी देखने वाले थे, जितने भी देखने वाले थे सब ये कह रहे थे मर्डर है, ये मर्डर है, क्लियर मर्डर है, क्लियर मर्डर है। ढोंगे इस पे भी जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी बिल्कुल, जितने वहाँ जितने भी आदमी थे, इसमें 1000 कह लो 2000 कह लो, वहाँ सबको क्लियर पता था एक मर्डर है, मर्डर है। लेकिन अगर पुलिस इसे गंभीर रूप से लेती तो ये नौबत ना आती, क्यों? दलाल की ज़्यादा चलती है, मुखबर की ज़्यादा चलती है, आज एक मंत्री की नहीं चलती जितनी उसमें चलती है उसकी। देखिए जाकिर भाई, अब उस वक्त भी संविधान वही था, उस वक्त भी पुलिस वही थी, उस वक्त भी शासन प्रशासन वही था, अब आपको क्या उम्मीद जगी है कि आप? हमें यह उम्मीद जची, अगर आपको देखो कानून जो है सबूत की बुनियाद पर टिका है बिल्कुल, और सबूत सब मिटा दिए गए लेकिन मुर्दा भी जिंदा है, दोबारा पोस्टमार्टम करा दिया जाए, दोबारा पोस्टमार्टम करा दिया जाए और इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए, इसको बिल्कुल कैद से कैद, यानी ये 20 आदमियों का परिवार आत्महत्या करेगा, भूख हड़ताल करेगा, इसे इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें निर्दोष मारे गया है। तो अब क्या उम्मीद जगी आपको? प्रशासन एक्टिव हुआ थोड़ा बहुत? प्रशासन तो कुछ भी नहीं कर रहा, प्रशासन ने तो जो है जो जितनी बात सुनी है उसमें उनके अपने बचाव के लिए फिर भी आज भी SP ने अखबार में हिंदुस्तान में उठा के देखो क्या लिखा है, क्या भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, खुदकुशी की आ रही है, खुदकुशी का मर्डर इसी हिसाब से किया गया कि जो खुदकुशी मिले भाई, एक आदमी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, धर्म परिवर्तन कर दिया, अपने आप को मिटाने पर खड़ा है, उसका कोई सबूत ही नहीं है। सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, तो उखाड़ लो खबर, निकाल लो सबूत, और हमें मारने पे मजबूर करेगा। तो आपकी मांग ये है कि आप चाहते हैं कि आपके लड़के का दोबारा से पोस्टमार्टम हो, दोबारा से पोस्टमार्टम और कैडिस जांच होनी चाहिए। 3 महीने के बाद में उसकी जो हड्डियां हैं उसको 6 महीने तक होता है जी, नहीं वो फोरेंसिक लैब में भेजा जाएगा, वहाँ जाके वो तो मिट्टी की भी जांच हो जाएगी, जहर लगा हुआ था लड़के का, उसका पूरा बदन लीला हुआ था। अगर सर आप कोई भी देखेगा तो मौके पर सब हर आदमी थर्रा कपाता, उन लोगों का कहना यह था, कह लगा इसका जो है इसको मिट्टी जलील ना करो, मिट्टी जलील ना करो, इसका इसका पचनामा भर लिया जाए, इसे नुकान दफना दिया जाए। धर्मेंद्र सिंह जो है सिंधु वहाँ थाने में कब्रिस्तान में बैठा है, इसका सबको ला कर दफना जाए, तो इसको खाट के लेके पोस्टमार्टम के लिए थे, इनको जो है जेल और ले जानी चाहिए। कौन सा धर्म था, कौन सा कानून था वो जो हमें जेल में बांधने तक की नौबत में खड़ा था, पूरा साजिश रच के जाली इस तरीके से फैला गया था। वाले हो इसमें शॉट ना मारना किसी बात का, देखो लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है ना भाई, उसमें लाइव चल रहा है, भी बात हम बेच रहे हैं वो नहीं जा, आपके लड़के के हाथ में वो है, वो लाइव चल रहा है जी, ये बिल्कुल क्लियर था मर्डर है, जितने भी देखने वाले थे सब ये कह रहे मर्डर है, मर्डर है। आपको आप अच्छा वहाँ पे एक पंचायत हुई है, पंचायत में आपको बताना चाहता हूँ, पंचायत में आप लोगों को ही एक शक की निगाह से देखा जा रहा है। तो सब भगवान से अपनी जान बचाने के लिए, देखो अपनी जान बचाने के लिए लोग कुरान की भी कसम खाते हैं जी, उनके बाप दादाओं ने नहीं पढ़ी, वे अपने बच्चों की भी कसम खाते हैं। देखो चोर की ना जी और जार की माँ जी, क्या कोई अपने कांड को करके उसकी हाँक कर लेगा, जल्दी से कबूल कर लेगा? अच्छा आपने हिंदू धर्म जब अपनाया है तो हिंदू धर्म तो एक धर्म वो है, इस्लाम है, हिंदू है, किस उस जात में गए? मैंने अपने को अकेला समझ के, मेरी जोगी बिरादरी मुस्लिम जोगी की जाति थी और मैं हिंदू जोगी बन गया, हिंदू जोगी बन गया। हाँ जी, और ये मैंने खुशी में नहीं धर्म परिवर्तन किया, मजबूर होकर ये काम किया है। रो तो बिलखता फिरता हूँ मैं, बिरादरी के पास में भी गया, भाइयों के पास में भी गया, किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया, पुलिस प्रशासन का भी कोई सहारा नहीं मिला। मैंने कोर्ट द्वारा भी रिपोर्ट डाली, वहाँ भी कोई सहारा नहीं मिला, मेरी कोई केस सुनाई नहीं हुई, मैंने 4 आदमियों के नामजद रिपोर्ट डाल रखी है,
आज वे दरिंदे बिल्कुल खुले आम घूम रहे हैं मेरे बच्चे की आत्महत्या नहीं उसकी हत्या करके उसे ये मैटर दिया गया, हत्या का मैटर दिया गया। और उसका पोस्टमार्टम भी रोक रहे थे, पूरी बस्ती वाले छाती में हाथ मार मार के कह रहे थे कि पचनामा भर लो, इसकी मिट्टी जलील ना करो। मेरा एक भाई आ गया, उसने कहा भाई दुश्मन की तलवार उल्टी भी इतना ही काम करती है और सुलटी भी इतना ही काम करती है, ये तुम्हारे फंसाने की साजिश रची जा रही है, इसका पोस्टमार्टम करा लो। तो वो पोस्टमार्टम के लिए जो मैं पहुंचा मांझी थाने में बागपत, तो धर्मेंद्र सिंधु दरोगा, हमने पूछा जी कहाँ है हमारी रिपोर्ट लिखाई जा, क्या कब्रिस्तानों में जा रहे हैं, क्या कब्रिस्तानों में दरोगा का ड्यूटी होती है या थाने की ड्यूटी होती है। दरोगा जी आगे आने के बाद में मैंने अज्ञात की रिपोर्ट लिखानी, कहा ये तो गलत होगी, उसने फाड़ के वो तो बाल्टी में डाल दी और बोल बोल के अपने आप। किसने? धर्मेंद्र सिंधु ने, दरोगा है। हाँ जी, बोल बोल के रिपोर्ट लिखा के पचनामा लिखा कुछ लिखा जो भी लिखा मेरे से दस्तक लिए, दबाव दबाव डाल के कहा कि रिपोर्ट तो बाद में भी हो जाएगी, उसका पोस्टमार्टम करा लो। पोस्टमार्टम होने के बाद में मेरी कोई एफआईआर नहीं हुई वहाँ। एसपी के जावे जयप्रकाश के मैंने दो रिपोर्ट एसपी के लगाई, कहाँ जांच करा देंगे। थाने में जावे कि तुमने पुलिस चौकी नहीं देखी, गालियों से पेश आते थे, मेरी बहुत बुरी हालत होगी, मैं टूट गया। 13-14 दिन के बाद मैं वहाँ से, मुझे धमकी दी जा रही थी कि एक को तो निमटा दिया, दूसरे की लाश भी नहीं मिलने की अगर कानूनी कार्रवाई की तो। मैं अपने बच्चों को उठा कर वहाँ से पलायन करके चल दिया। मैं दोबारा ये चाहता हूँ मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम दोबारा होवे और इसके इस केस की कैडी से कैडी जांच होवे। योगी सरकार से भी मेरी दरख्वास्त है कि इसकी जांच कैडी से कैडी होनी चाहिए और मोदी सरकार से भी, जो भी दरिंदे हैं चाहे उसमें एक हो दो हो चाहे जय भी है, बेईमानदार होने चाहिए। जी रुकैया, आप किसकी वाइफ हैं? 9 साल की। मैं हिंदू, मैं हिंदू बनना नहीं चाहती, मैं मुसलमान रहूंगी। मेरा बच्चा, मेरी सासू, मेरी फूफी भी लगती है वहाँ, मेरी सासू वहाँ भी है, उसके लिए मैं रह रही अपनी फूफी के लिए। वह कह रही थी मैं मर जाऊंगी जब तू चली जाएगी अपने मायके में, मैं उसके लिए नहीं गई। मेरे आए थे मायके वाले लेने पर, मैं नहीं गई उनके साथ में। तो आपके कितने बच्चे हैं? जी एक बच्चा है मेरे पे। आपके बच्चे और आप नहीं गए, घर नहीं छोड़ा आपने? नहीं जी, मेरे बच्चे ने ना ही दिना, मेरी सासू माँ ने, मैंने धर्म नहीं छोड़ा। आपको उम्मीद है, आप जगी है कि आपके घर वालों ने धर्म परिवर्तन किया है कि अब उन्हें मिल जाएगी, उन्हें इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलना चाहिए जी, ऐसे ही तो धर्म परिवर्तन किया है इन्होंने जी, मिलना चाहिए इंसाफ तो। अन्याय हुआ है हमारे साथ, बहुत बुरा अन्याय हुआ है जी। हम भूखे भी रह लेंगे अपने बच्चों में, पर हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, इन्हें मिलना चाहिए जी हमें।